1000 crore in overseas, guys. भाई एक साल के अंदर this is a history. पूरे इंडियन सिनेमा के रिकॉर्ड में ये चीज़ नहीं हुआ कि एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर एक अकेले सुपरस्टार ने ओवरसीज़ के अंदर से 1000 करोड़ उठा लिया. 1000 करोड़, दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कलेक्शंस, वो तो दो है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर में, मतलब नॉन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के कलेक्शंस एंड वहाँ के जो करेंसीज़ के हिसाब से 1000 करोड़ ओवरसीज़ के अंदर उठाया भाई. जिसमें कि अपना पठान का योगदान 400 करोड़ है, जवान का योगदान 398 समथिंग के आसपास है, एंड डंकी का योगदान एटलीस्ट 200 करोड़ के आसपास होगा. तो भाई दिस इज़ इनसेन, दिस इज़ मतलब दिस इज़ अ हिस्ट्री, दिस इज़ अ हिस्ट्री. मेरे को नहीं लग रहा कि आने वाले कोई भी साल के अंदर भी ओवरसीज़ के अंदर में इतना बड़ा रिकॉर्ड कोई बना पाएगा. कल मैंने कोई कमेंट देखा कि तुम्हारा स्टार ग्लोबल स्टार है लेकिन पैन इंडिया स्टार नहीं है. ये कैसे हो सकता है? लेट मी टेल यू, ग्लोबल स्टार पैन इंडिया स्टार क्या होता है, पैन इंडिया स्टार में क्या होता है, 5-5 लैंग्वेज में अच्छी मतलब कलेक्शंस कर पाए, सो सब सारे कलेक्शंस मिलाकर भी उसका टोटल कलेक्शंस ग्लोबल स्टार के ओवरसीज सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज कलेक्शंस के बराबर नहीं कर पाता है. ग्लोबल स्टार के ओवरसीज कलेक्शंस के बराबर नहीं कर पाता है. ग्लोबल स्टार का मतलब क्या है कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये पैन पान अदरक लहसुन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर घंटा भी इनको कोई पहचानता भी नहीं, रोड में चलेंगे तो इनको कोई मतलब भाव तक भी नहीं देगा. लेकिन ग्लोबल स्टार का क्या सीन है, ओवरसीज़ के अंदर में क्या होता है, ओवरसीज़ के कलेक्शंस जब ऐडअप होते हैं ना तो पैन पान मिलाकर भी अगर कलेक्शंस कर लो ना इंडिया में तो भी वो उतना ओवरसीज़ कलेक्शंस में उसके 50% में नहीं जा पाता. रिसेंट रिलीज़ के हिसाब से हम लोगों ने कंपेयर करके देखा है 2023 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सी बनी है, तो पैन पान ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है. ग्लोबल जो ग्लोब मतलब जो भाई रोशन करता है ना कंट्री का नाम, भाई उसी को ही आइकॉन मतलब आइकॉन माना जाता है फॉर मिलेनियम ऑफ ईयर्स, मतलब एटलीस्ट 100 साल तक. तो राइट नाउ ही हैज़ ब्रोकन ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, जो कि अभी लेटेस्टली एक रिकॉर्ड क्रॉस हुआ है, अभी क्रॉस हुआ है, जिसमें कि 1000 करोड़ कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ के अंदर एक सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर बनाया है, एक सिंगल कैलेंडर ईयर के अंदर एक लैंग्वेज के अंदर, ना कि 50-60 लैंग्वेज में रिलीज़ करके 12-13 हज़ार स्क्रीन खा के, नहीं, एक कैलेंडर ईयर के. मैंने बोला ना डंकी 200 करोड़ करेगा भाई, मैंने बोला ना डंकी ओवरसीज़ के अंदर 200 करोड़ करेगा, ओवरसीज़ में बहुत बड़ा मार्जिन से जीतेगा, हिंदी में भी बहुत बड़ा मार्जिन से जीतेगा, वो दोनों चीज़ हुआ है वो तो. हाँ टोटल कलेक्शंस में ऑब्वियसली मैंने बोला था टोटल कलेक्शंस में नहीं होगा, बिकॉज भाई एक एक्शन मूवी वर्सेस ड्रामा मूवी दैट इज़ इटसेल्फ अ जोक, वहाँ पे जोक हो जाता है, वो मैं बोल रहा हूँ उनको शुक्र मनाना चाहिए, यहाँ पर पठान या जवान रिलीज़ नहीं हुआ भाई, यहाँ पर पठान जवान रिलीज़ नहीं हुआ. पहली बार पठान जवान रिलीज़ होता तो वो सोलो ही रिलीज़ होता, वो अगल बगल कोई नहीं आता, वो भूल जाओ, वो सबके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है. तो बट क्या है कि दिस इज़ द रिकॉर्ड, दिस इज़ द आइकॉनिक रिकॉर्ड, हिस्टोरिक रिकॉर्ड, जो कि भाई सबको सेलिब्रेट करना चाहिए एंड बूस्ट अप करना चाहिए इस इंसान को कि ही शुड मेक एक्शन फिल्म्स मोर, बट विद दैट जो ये बंदा कर रहा है दैट इज़ अप्रिशिएबल. चाहे वो डंकी हो चाहे वो फैन हो, ये जो ड्रामेटिक फिल्म्स को ये अभी भी चूज़ कर रहा है, अभी भी मतलब सपोर्ट कर रहा है कि इवन दो आफ्टर गिविंग थाउजेंड्स ऑफ क्रोर मैं ड्रामेटिक फिल्म करूँगा, मैं सोशल ड्रामा के ऊपर फिल्म करूँगा, मैं कुछ हट के कंटेंट बनाऊँगा. हाँ क्वांटिटी मैंने कम कर दिया है, 2016-17 में क्या हुआ था पता नहीं, पूरा क्वांटिटी बढ़ा दिया था इसका, क्वांटिटी कम कर दिया, लेकिन मैं क्वांटिटी बंद नहीं करूँगा एट एनी कॉस्ट. इवन दिस फिल्म जो ड्रामेटिक फिल्म के साथ भी क्लैश में बड़े बड़े फ्रेंचाइज फिल्म की माँ बहन कर दी, टोटल लाइफ टाइम कलेक्शंस को तोड़ दिया, तो दैट इज़ वॉट. तो सैल्यूट उसके लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर फर्स्ट एंड फर्स्ट एवर 1000 करोर फ्रॉम इंडियन सिनेमा फॉर एनी सुपरस्टार इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर. तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड, तब तक के लिए.